The European Space Agency has released the clearest images of the smog choking North India and Delhi in October 2023. This image, which you can see on your screens now, shows a thick layer of smog across North India. The picture juxtaposes the situation in North India with the Tibetan Plateau, where the air is clear. The difference between the two is just clear. Now, protesters have blocked the borders of the national capital, massively impacting supply chains and transport in Delhi NCR. And all of this, who will speak for Dilliwalas is the big question. So these, of course, are the big developments we are tracking for you. The European Space Agency releasing clear images of the smog choking North India and Delhi in October 2023. Manisha is joining us for more details on this story. Manisha, these are shocking images that have emerged from October last year. जी बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीरों में हमने देखा है, एक सफेद जो है धुंध की आदत दिखाई पड़ रही है। कोपरनिकस सेंटिनल 3 उपग्रह है जिसके द्वारा ये जो पिक्चर है वो दिखाई गई है, जो कि भारत के पंजाब और हरियाणा राज्यों में घनी आबादी वाला जो एक देश है उसमें जो मैदानी इलाके वहां पर ये जो धुंध है वो दिखाई गई है। और जो इसकी वजह है वो बताई जा रही है, जिस तरीके से पराली जलाते हैं या फिर जो धान के अवशेष बच जाते हैं, फसलों के जो अवशेष बचते हैं जब उसको जलाया जाता है, जैसे पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान का जो लाहौर है वहां पर जब ये जलाया जाता है तो उससे निकलने वाले धुएं से ये पूरी जो छवि है वो निकल कर आई है। और साथ ही आपको बता दूं, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये एक उपग्रह है जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान को वायु प्रदूषण और धुएं की मोटी चादर से इसने इसको ढका हुआ दिखाया है। और जितना हमने देखा था पिछली बार दिल्ली में भी जो वायु गुणवत्ता थी वो 30 गुना अधिक दर्ज की गई थी, उससे अस्पतालों में जो थी बीमारियां ज्यादा बढ़ रही थी, जिसमें सांस की बीमारियों की दिक्कत ज्यादा हो रही थी दिल्ली वासियों को। और पूर्वी मैदानी इलाकों के हिस्सों में भी जो जीरो विजिबिलिटी जो कारण है वो दर्ज किया गए थे, उसकी वजह से स्कूल बंद हो गए थे, यातायात में प्रबंधित जो है हमने देखा था यातायात जो ऑड इवन जो चलाया गया था जिस तरीके से, तो ये सारी तकलीफें जो है इसकी वजह से हो रही है। और जलवायु में जो परिवर्तन होता है, नमी बढ़ती है, हवा का प्रवाह जो है इससे कम हो रहा है, तो इससे स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। और साथ ही इसको कम करने के लिए कई तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा है जिस तरीके से 2023 में पराली जलाई गई थी तो उससे ये जो वायु प्रदूषण की गुणवत्ता है वो और ज्यादा दर्ज हुई है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.